कक्षा 7 विज्ञान पाठ नंबर फर्स्ट, इसमें लगभग टॉपिक हो गया था ख़त्म ये, और छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बाकी हैं वो हमारे चल रहे थे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है स्तंभ मिलान का, एक दिया है स्तंभ स्तंभ कै और दूसरा है स्तंभ खै, स्तंभ कै और स्तंभ खै। ठीक है, दो अलग अलग इसमें स्तंभ दिए हुए हैं, तो इनमें वाक्यों का मिलान करना है, वरना कौन सही है। ठीक है, तो मैं इसमें क्वेश्चन का मिलान कर देता हूँ और उसको अपनी नोटबुक में आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, पहला इसमें कै पार्ट दिया है ईमेल, ईमेल, और इधर ए दिया है मिसाइलें। क्या दिया है? मिसाइलें। इधर खे पढ़ दिया है कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। उधर बे पार्ट है खाना पकाने का गैस, खाना पकाने की गैस। और इधर गे पार्ट है मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन बढ़ाने से। इधर है से पार्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति। और घ पाठ है पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल। द पाठ है दूर संचार व्यवस्था, अणु, एलपीजी, एलपीजी। यह है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इनका मिलान करना। कृत्रिम उपग्रह क्या है ना? कृत्रिम उपग्रह है कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति। ओके, मनोरंजन के साधन बढ़ाने से। एलपीजी क्या है? एलपीजी पता लग रहा होगा, एलपीजी है खाना पकाने की गैस। और मनोरंजन के साधन बढ़ाना से होता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक, कितने बचे? तीन मिल गए, एक दो तीन, दो बचते हैं। अब दो में देखेंगे पृथ्वी अग्नि त्रिशूल, ये हैं हमारी मिसाइलें। पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल क्या हैं? मिसाइलें हैं। ईमेल क्या होगा? फिर लास्ट बचा है दूर संचार व्यवस्था। ये ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, जैसे डाक होता था, डाक से पत्र जाता था, तो काफ़ी उसमें समय लगा करता था, तो आजकल क्या है, ईमेल डायरेक्ट कंप्यूटर से या मोबाइल से भेजा जा सकता है। तो ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको तुरंत लिखें और क्लिक करें, डायरेक्ट पहुंच जाता है। ठीक है, तो ईमेल दूर संचार व्यवस्था, कृत्रिम उपग्रह कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है, मनोरंजन के साधन बढ़ाने से होता है ध्वनि प्रदूषण, यानी कि जो मनोरंजन के साधन द्वारा जो डेक जल रहा है या कुछ चीज़ें चल रही होती हैं उनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल है मिसाइलें, और एलपीजी है खाना पकाने की गैस। ठीक है, तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। स्तंभ दिए हुए थे और स्तंभों का मिलान करना था, सही मिलान आपका हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसमें सही मिलान करने के लिए पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, ईमेल क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह क्या है, तभी आप मिलान कर भी पाएंगे।